आगरा का ताजमहल भारत की सांस्कृतिक पूंजी का एक अहम हिस्सा है। ताजमहल को लेकर कई विवाद पिछले दिनों सामने आए और विरासत पर सियासत का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री अब नरमी से बयान दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने के बाद भी ताजमहल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर साल निकाले जाने वाली टूरिज्म बुकलेट में जगह नहीं मिली, जिसके बाद से ही योगी सरकार विवादों में घिरी हुई है। नेताओं की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार चल ही रहा है। हाल ही में बीजेपी नेता संगीत सोम ने मेरठ में बीजेपी की सभा को संबोधित करते वक्त कहा कि ताजमहल को इतिहास से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह गुलामी की निशानी है। लेकिन सोम शायद नहीं जानते कि भारत आने वाले कुल पर्यटकों में 70% पर्यटक ताजमहल देखने भारत आते हैं। वहीं घरेलू पर्यटकों की भी अच्छी खासी संख्या ताजमहल देखने आती है। ऐसे में ताजमहल का विवादों में रहना कहीं ना कहीं पर्यटन को प्रभावित कर रहा है। छोटे प्रचार के लिए इस तरीके की चीजों को लाने से देश का बड़ा नुकसान होना तय है, और भविष्य में मोदी जी से कहीं दुनिया में ये सवाल हो गया कि हम अभी ताजमहल के और हिंदू मुसलमान के स्तर पर अटके हुए हैं, हम विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम इस तरीके की चीज़ों से हम एक झटके में कई कई साल पीछे चले जाते हैं। इस तरह के जो विवाद हो रहे हैं उससे जो आगरा की पर्यटन उद्योग पर ही नहीं, हमारे देश के पर्यटन उद्योग पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जो हम देख रहे हैं कि विगत 3 सालों से टूरिस्ट कम हो रहा है आगरा में, उसका मुख्य कारण ये कि वातावरण नहीं है, और इस प्रकार के विवाद आएंगे तो लोग आने में हिचकिचाते हैं, वो ऐसी जगह नहीं जाना चाहते जहां की विवाद हो। नेताओं की तरफ से भले ही विवादित बयान आते रहें, लेकिन ताजमहल की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी भारत सिर्फ ताजमहल देखने आते हैं। कई सैलानी ऐसे हैं जो भारत को केवल ताजमहल के नाम से जानते हैं। In my country, the United States, most people don't know anything about India, but everyone has heard of the Taj Mahal, and they know how beautiful it is, and they only wish they could have the opportunity to come here and really see it in person. I think it's very important that the people of India get to keep the Taj Mahal in all its history. Always, it must be protected. Pradhan Mantri ko aaj kehna pada ki bina virasat ke hum aage nahi badh sakte. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर से आगरा दौरे पर हैं, जहां वे सभी स्मारकों का दौरा करेंगे, जिसमें ताजमहल भी शामिल है। उसका एक पुरातात्विक इमारत है, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, पर्यटन की दिशा से उसको बढ़ावा देने और वहां पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है, हम लोग उसका निर्वहन करेंगे। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन बयानों पर सवाल उठने लगे हैं। ट्विटर पर हैशटैग ताजमहल के नाम से कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसमें ट्विटर पर लोग सरकार की तरफ से ताजमहल के लिए आ रहे बयानों के विरोध में ताजमहल के साथ अपनी फोटो अपलोड कर ताजमहल का सपोर्ट कर रहे हैं। इस कैंपेन में कई विदेशी पर्यटक ताजमहल के साथ अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं। साफ है कि इस प्रतिक्रिया की वजह से सरकार अब इस मामले पर फूंक फूंक कर बयान दे रही है। आगरा में नसीम अहमद के साथ आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।